हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एट द रेट आर एफ फ्री क्लासेस में, जिसमें कि आज 5वां नंबर सेट है। मेरी क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है JHJILKKL, देख रहे होंगे क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। JILKL, सेम पैटर्न अगर इसके साथ जो भी होंगे लागू, वो सेम पैटर्न इसके साथ इसके जगह पे ये क्या आएंगे, जो पूछ रहा है क्वेश्चन, ये यहाँ पे सेम पैटर्न लागू होंगे, तो बताइएगा। जल्दी जल्दी बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। तो देख रहे होंगे, चलिए फिर से आपको एक बार मिटा के फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, के को के कर दिया, एल को एल रहने दिया है, आई को आई रहने दिया है, ठीक है, जे को यू, जे को यू किया है, ठीक है। चलिए तो सेम पैटर्न आगे भी फॉलो करेंगे हम लोग। एम को चलिए, क्यू को क्यू रहेगा यहां पे, पी को पी रहेंगे यहां पे, एन को एन रहेंगे यहां पे, एम को चेंज होंगे, ठीक है। तो देखिएगा, Q N P M है, ठीक है, और किसी में M नहीं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, इसके जगह पे H J होगा, यहाँ पे नो चेंज होंगे तभी ये आंसर आएंगे। ये राइट आंसर A, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़े से क्वेश्चन ही गलत है, तो यहाँ पे J होंगे तभी क्वेश्चन आपका बन पाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Q P N M, ठीक है। चलिए, इज राइट आंसर ए। नेक्स्ट, हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एट द रेट आर एफ फ्री क्लासेज में। मेरे क्लास को ज्वाइन करना ना भूले। आप बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, लिख रहा है श्रृंखला पूरी कीजिए, क्या है यहाँ, 1, 6, 12, 19, 27, तो यहाँ पे भाट की जगह पे क्या होगा, बताइए बिना देरी किए बताइएगा। तो देख रहे हो कि 1 और 6 का डिफरेंट कितना है, 5 का, 12 और 6 का, 6 का, 12 और 19 का, 7 का, 27 और 19 का, 8 का, तो यहाँ पे कितना का होगा, +9। 27 9 कितना होता है, 36। इज राइट आंसर सी, ठीक है, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट, चलिए बताइएगा। कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि JUNE को NXPX कोड दिया जाए तो STAY को क्या कोड दिया जाएगा, देंगे। चलिए फटाक से बताइएगा, जे को एन कह रहा है, जे को एन कितने का कोड कह रहा है, 4 अंक का प्लस, ठीक है। यू को एक्स कह रहा है कितने अंक का, यू को एक्स कह रहा है +3। एन को पी कह रहा है +2। ई को एफ कह रहा है +1। तो सेम इसके साथ करेंगे हम, क्या होंगे इसके साथ, एस को +4 करेंगे तो क्या आएगा, +4 W,
को करेंगे +3 तो क्या आएगा, W। A को +2 करेंगे क्या आएगा, C। बाई को +1 करेंगे क्या आएगा, Z। तो क्या आया, W W C Z। ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, W W C Z इज राइट आंसर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए बनाइए कमेंट सेक्शन, कमेंट खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा। चलिए उसमें आपको क्वेश्चन में थोड़े बहुत फूटा हुआ है वो मैं अभी पूरा कर दे रहा, मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। 5, 19, 4, 3, 4, 8, 6, 5, 6, 5, 29, 4। ये नहीं, ठीक है। चलिए बताइएगा यहाँ पे क्या होगा, ये वाट की जगह पे क्या होगा। तो पहला ये देख रहे होंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे त्रिभुज पे लिखा हुआ है 5, 3। पहला हम देख रहे हैं पहला त्रिभुज में, पहली आकृति में 5, 3, 19 और 7। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 × 3 + 4 कितना आ रहा है, 19। क्या ये 19 आ रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम ये देखिए तीसरा आकृति, पहला आकृति हम देख लिए हैं, तीसरा आकृति ये हम तीसरा आकृति देख रहे हैं, ठीक है। ये लिख रहा है तीसरा आकृति में क्या, 5, 29, 6, 4। तो 6 × 4 + 5 कितना आ रहा है, 29। हम दूसरा आकृति भी देख सकते हैं, चलिए दूसरा आकृति में हम कर देंगे, दूसरा आकृति में लिख रहा है 7, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बताइए, इसके बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग कर सकते हैं 7 × 5 + 6 कितना आया, 41। यहाँ पर क्या आएगा, 41 इज राइट आंसर डी, ठीक है। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए बोला हूँ। यहीं पे आप कर सकते हैं, यहीं डायरेक्ट फॉर्मूला रख के डायरेक्ट मतलब कैलकुलेशन करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये गुना कर दिए और ये जोड़ दिए, यहाँ फिर गुना कर दिए और इसको जोड़ दिए, फिर इसको गुना कर दिए और इसको जोड़ दिए, जो आया ये आ जाएगा, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मैं इतना लिखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट, देखिएगा क्वेश्चन। तो एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, वह 45 डिग्री बाएं और फिर 90 दाएं घूमता है, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। चलिए दिशा तो आपको पता ही होगा, दिशा आपको पता ही होगा, ये होता है पूर्व, उत्तर, दक्षिण, ये पश्चिम। अगर आपको दिशा नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा मेरे चैनल पे, और उस पे आपको डायरेक्शन टेस्ट का चैप्टर मिलेंगे, वो बेसिक आपको फुली बेसिक उसमें पढ़ाया गया है, हर एक चीज बारीकियों को समझाया गया है, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। 3-4 क्लासेज हैं, 3-4 क्लासेज का उसका चैप्टर है, वो आप समझ सकते हैं, एक एक करके पूरे पढ़ लेंगे, बेसिक टू बेसिक आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए देखिएगा,
ये हो गया आपका दक्षिण, ये दिशा, इसमें कितने होते हैं, ये चार दिशाएं होती हैं और उप दिशाएं होती है, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, पश्चिम दक्षिण, ये उत्तर पश्चिम, ठीक है। चलिए, तो कह रहा 90 डिग्री का, पहले 45 डिग्री का घूमता है, चलिए यहाँ पे से 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, उत्तर पूर्व, ठीक है, 90 डिग्री, यहाँ से फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री आ जाता है दक्षिण पूर्व में, ठीक है। तो आंसर क्या पूछा है, वो अब किस दिशा में की ओर है, दक्षिण, वो किस दिशा में ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन टेस्ट में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो मेरे चैनल पे जाके आप डायरेक्शन टेस्ट का पूरे बेसिक पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, माया दक्षिण दिशा की ओर यात्रा कर रही है, उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने के लिए उसे निम्न में से क्या मोड़ लेने होंगे, बताइएगा। दिशाएं तो आपको पता ही होगा, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, ठीक है। कह रहा है तो हम लोग पहले देखेंगे, ठीक, माया दक्षिण की ओर यात्रा करती है, दक्षिण की ओर यात्रा करती है, मतलब यहां से दक्षिण की ओर, ठीक, नीचे की ओर, यहाँ से नीचे की ओर चलती है, ठीक है, यहाँ से नीचे की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने में उसे निम्न किस मोड़ को, दक्षिण गई, दक्षिण से वो अगर हम इधर मुड़ी, ठीक, फिर यहाँ से फिर इधर मुड़ी, फिर यहाँ मुड़ी, फिर यहाँ मुड़ी, यहाँ आने के लिए उत्तर की ओर, कौन सा आंसर आएगा बताइए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, देखिए पहले दायां मुड़ा, इधर से यहां उत्तर जाने के लिए दायां मुड़े, ठीक है, पहला ऑप्शन रखते हैं, दूसरा में फिर बाएं मुड़ गया, फिर यहाँ आ गए हम लोग, वापस जहां थे वहीं आ गए, फिर दायां मुड़े, चलिए दायां मुड़ गए, फिर दायां मुड़े, इज राइट आंसर, चलिए एक, मतलब अनुसरण एक कर रहा है, इसका मतलब हम लोग उत्तर पहुंच गए अपने बिंदु पे, उत्तर दिशा में, इज राइट आंसर, पहुंच गए, ठीक है, हम लोग पहला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, सातवां नंबर, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, इस आदमी के पुत्र की बहन मेरी सास है, और औरत के पति उस चित्र के व्यक्ति से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, आप मेरे चैनल पे जाके ब्लड रिलेशन का चैप्टर पढ़ सकते हैं, और किसी तरह का डाउट होगा तो, चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन देखिएगा, अगर कोई चित्र के हिसाब से चलते हैं, चलिए ठीक है, तो मान लेते हैं ई ए है, ठीक, कह रहा है एक औरत ने कहा आदमी को, इशारा करते हुए, आदमी पुत्र की बहन मेरी सास है, ठीक है,
इसका आंसर कौन सा होगा बताइएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, इस आदमी के पुत्र की बहन मेरी सास है। तो उस औरत के पिता उस चित्र को व्यक्ति के इस संबंध में क्या होंगे, उसका संबंध क्या होगा पौत्र का। अगर आपको डाउट होगा, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे होंगे किस तरह से बनेंगे पौत्र, कैसे आएंगे, मेरे चैनल पे जाइएगा, उसमें ब्लड रिलेशन पढ़ाया गया है, तो इसलिए आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये सब ज्यादा आपको कुछ ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने ऊपर भी रिलेशन लेके आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक घन को रंग करने करने के लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी, यदि कोई इससे भी दो साथ एक फर्श का एक अस्तरंग को ना हो, मतलब एक रंग का दोनों ना हो, का फेस होगा यहाँ पे पर्स मतलब। ठीक है, फेस अगर दोनों का फेस एक जैसा ना हो। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइएगा। ये राइट आंसर 3। चलिए नेक्स्ट, दिन में कितने बार 24 घंटे में से घड़ी को दोनों सुइयां एक साथ रेखा रेखा में होती है, परंतु वह एक 20 दिशा में नहीं होती है, परंतु एक दिशा में नहीं होता है। चलिए बताइए, राइट आंसर 22। चलिए नेक्स्ट, 10वां नंबर कौन सा। सी का पिता ए है, ठीक है, सी का पिता ए है, बी का पुत्र डी है, ए का भाई ई है, और यदि डी की बहन सी है तो बी का ई के साथ क्या संबंध है बताइए। क्वेश्चन देखिए, ऐसे भी बना सकते हैं ब्लड रिलेशन आपको। ए ई कह रहा है ना, सी का पिता ए है, सी का पिता, चलिए सी का पिता हम कह देते हैं, पिता ए है, कौन है पिता, चलिए ठीक है। फिर कह रहा है बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र, बी का पुत्र, बी का पुत्र, बी का पुत्र डी है, सॉरी डी कह रहा है ना, बी का पुत्र, चल डी कह रहा है बी का पुत्र, ठीक है पुत्र, ये हो गई माँ। ठीक, उसके बाद कह रहा है ए का भाई ई है, ए का भाई है ई, भाई ई है, ठीक, और यदि डी का बहन सी है, डी का बहन मतलब ये दोनों भाई बहन है, भाई बहन, ठीक, चलिए ठीक है। अब कह रहा है तो बी और ई का संबंध, बी और ई, तो ये दोनों ये हुई माँ, तो ये हो गया पति पत्नी, पति पत्नी, ठीक, पति पत्नी हो गई, और इसका भाई ये है, तो इसका इसका संबंध क्या हुआ भाभी का, ठीक, इज राइट आंसर डी। क्या बन जाएगा ब्लड रिलेशन कैसे बनता है आपको देख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए बताइएगा।
देखिएगा, छुपे हुए चित्र को खोजिए, छुपे हुए चित्र को खोजिए। तो वृत्ताकार आयत घड़ी में विपरीत दिशा में एक एक स्टेप प्रत्येक अगली आकृति में आगे बढ़ रहा है, तो अब अगले में क्या आकृति आएगी, उसकी प्रतिस्थापन क्या की जाती है। देखिएगा, यहां से ये कहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। ठीक, आ गया ना इस चित्र में। फिर देखिएगा, ये यहाँ गया, ये भी यहाँ चला गया, दोनों एक में आ गए। अब इसके आगे क्या होंगे जो बताइए, इसमें क्या होगा बताइए, इसमें क्या होगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट कीजिएगा। आगे फिर ये इसमें ये आ जाएंगे और ये आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये यहां पे बढ़ेंगे, फिर ये यहां बढ़ेंगे। ठीक है, इज राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट। देखिएगा, निम्नलिखित तर्क आकृतियों में से कौन सी आकृतियां चिड़ियों, फलों और आमों के बीच सबसे अच्छा संबंध प्रदर्शित करता है, बताइएगा। किसका किसका पूछ रहा है, चिड़ियां, चिड़ियों हो गया, फलों और आमों के बीच, बताइए। जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो देखेंगे। फल के अंदर आम आएंगे, फल जो है ये फल हो गया, इसके अंदर ही आम आता है, फल में ही आम आता है, लेकिन चिड़ियां बाहर होंगे, फल आम भी खाएगा और फल भी खाएगा, चिड़ियां। इस राइट आंसर कौन सा होगा बताइएगा। फल और आमों के सबसे अच्छे संबंध, फल कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इज राइट आंसर ए। ये सर्किल छूटा हुआ है, एक सर्किल और होगा सिंगल, ये ठीक है। ये फल हो गए और उसी के अंदर आम, लेकिन चिड़ियां बाहर होगी। ठीक, इज राइट आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बताइएगा। यदि जोड़ के लिए गुना, मतलब जोड़ है, इसको गुना कह रहा है और गुना को भाग कह रहा है, ठीक है, भाग को, भाग के लिए घटाव हो रहा है, चलिए ठीक है, घटाव को जोड़ कर, तो 2 - 8 × 2 + 6 / 7 क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन के हिसाब से 2 + 8 / 2 × 6 - 7, ठीक है, प्रश्न अनुसार तो यही हो जाएगा, क्योंकि जोड़ का घटाव, जोड़ घटाव को जोड़ कह रहा है इस तरह से। यहाँ पे 2 आ गया ना। चलिए, तो उसके बाद क्या हो जाएंगे देखिएगा, 2 + कट जाएगा, 4 × 6 - 7, ठीक है, फिर
पूरा एक बार में काटना चाहते हैं तो एक बार में काट सकते हैं, आपको करना है। अगर वैसे नहीं करने आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। तो जैसे आप लोग, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। -7 = 19 इज राइट आंसर बी। आप डायरेक्ट चाहते तो यहीं पे कर सकते थे, 2 + 8 / 2 इसी पे, 2 × 6 - 7 यहीं पे कट जाएगा 8, ठीक है, यहीं पे 4 हो जाएगा, फिर 24 हो गया, फिर यहीं पे आपका 28 + 7 = 28, 26 सॉरी यहीं पे घट जाएगा 7, यहाँ पे जुट जाएगा और 26 हो जाएगा, 24 + 6 = 2, 26 - -7 = 19 यहीं पे आ जाएंगे, एक ही लाइन में सब आ जाएंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 14वां नंबर क्वेश्चन। 53 विद्यार्थियों की कक्षा में जया 5वें स्थान पे है, स्थान पर रही है, तो नीचे से उसका स्थान होगा क्या, क्या होगा बताइएगा। टोटल 53 है, -5 + 1, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, तो कितना हो गया 49 इज राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरे चैनल पे जाके आप पढ़ सकते हैं, मेरे पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट है इसलिए आप जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा है एक घड़ी इस प्रकार रखी है कि दोपहर के 12 बजे मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, दिन के 1:30 बजे इस घड़ी की घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, चलिए बताइएगा किस दिशा में होगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। राइट आंसर पूर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है 16वां, यदि आने वाले कल से अगले दिन रविवार है तो बीते कल से पिछला दिन क्या होगा, कौन सा दिन होगा बताइएगा। इज राइट आंसर बुधवार, होगा ना, देखिएगा बुध, बुधवार, बृहस्पति, ठीक, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक। कह रहा आने वाले कल वाले दिन रविवार है, मतलब यहाँ पे रविवार है, तो उसके पिछले कल के पिछले पिछले कल से पिछले दिन क्या होगा, मतलब इसके कल के इसके इस बुधवार, ठीक है, ये राइट आंसर बुध। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे शब्द कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा यदि निम्नलिखित में से शब्द को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, चलिए बताइएगा।
कौन सा आएगा बताइए। एबीसीडी तो आपको आता ही होगा। शब्दकोश, देखिए आर सब मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद पहला शब्द कौन सा आएगा देखिएगा। पहला ए आएगा, ये इसमें आएगा, फिर टी चल जा रहा है, ठीक, फिर एन आ रहा है। तो पहला कौन आया इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें ई आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, लेकिन इसमें ए आ रहा है। राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट, चलिए बताइएगा। इनमें से एक से, चलिए इनमें से कौन सा विषम है बताइएगा। क्वेश्चन बताइएगा। घुटना, कंधा, हथेली, केहनी। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, देरी नहीं कीजिएगा। इज राइट आंसर सी, हथेली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि ये सिमिलर हैं, ये सिमिलर हैं, ये सिमिलर है, तीनों कहीं ना कहीं पार्ट, लेकिन यह हथेली ये सबसे अलग है, विषम, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए बताइएगा। निम्नांकित में से विषम को ढूंढिए। दिशक, सूचक, चुंबकीय सुई, चुंबकीय चुंबक और दिशा, कौन सा है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। देखिएगा ये दिशा, दिशा जो होता है बाकी सभी एक दिशा को बताने वाला चीज है, लेकिन ये खुद एक दिशा है, इसलिए सबसे अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके लिए है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए, क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। जैसे कि अनुयायी के लिए नेता, वैसे ही सैनिक के लिए क्या होगा बताइएगा। इसलिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, मेरे क्लास को ज्वाइन किए होंगे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। @RFreeClasses में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज्वाइन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया होगा तो, और पसंद आया होगा तो शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे सीख सकें। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नए क्लास में एक जोश के साथ। थैंक यू।